डिबेट्स मीडिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते अलग अलग एंकरों ने अपने डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, क्यों मोदी सरकार डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। दूसरा, पांव में प्लास्टर है फिर भी ममता का नाटक है। तीसरा, दिल्ली को दिखाने सुनाने की चाह में आंदोलन बेचैन। चौथा, महिलाओं ने खुद से चंदा दिया बस की ओर चल पड़ी। पांचवा, मिथुन चक्रवर्ती के हथियार, कोबरा, लाश, शमशान और फोटो। कुछ दिनों पहले सरकार ओटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस लाई हैं, जिसके ऊपर चर्चा भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया में ना देखने को मिले, पर रवीश जैसे कुछ पत्रकार इस मुद्दे पर बात करते दिखाई देंगे। रवीश ने अपने शो में इस मुद्दे पर बात की और कुछ अहम जानकारी भी दी। खबरों की कतरनें बता रही हैं कि भारत सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता बनाई है, नए नियम तय किए हैं और सजा का प्रावधान भी है। सरकार ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियामक संस्थाएं हैं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, उसी तरह इंटरनेट पर मौजूद ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी नियमों का पालन करना होगा। यह नियम केवल नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होते, बल्कि न्यूज वेबसाइट पर भी लागू होंगे। इन्हें बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से प्रकाशित हुई, किसने प्रकाशित की। इन सभी को शिकायतों के निपटारे के लिए एक नियामक संस्था बनानी होगी, जिसके प्रमुख रिटायर्ड जज होंगे। आप जानते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता ना तो इन नियामकों से तय होती है और ना केवल इनके कारण मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। इन नियामकों के रहते ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग दुनिया भर में गिरती जा रही है। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, बंगाल में किसानों का हल्ला बोल, किसका डब्बा होगा गोल। दूसरा, अब किसान तय करेंगे देश की सियासत, किसानों का दबाव सिर्फ सड़क तक सीमित। तीसरा, तेल के दाम में लगी आग, महंगाई डायन और सताएगी। चौथा, अमेरिका में निजी क्षेत्र का प्रयोग फेल, भारत में होगा सफल। पांचवा, क्या आंदोलन के जरिए राजनीतिक मंसूबे साध रहे हैं किसान नेता। संदीप चौधरी अक्सर देश में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस बार भी उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर डिबेट की और इस डिबेट में वे भाजपा नेताओं से सवाल करते भी नजर आए। खेती की इनके सामने डेटा को ये पढ़ते नहीं, उसको ये मानते नहीं, पहचानते नहीं और बेकार की बहस करके, बेकार की चीजों को हाईलाइट करके सिर्फ बता रहे हैं कि जनता जवाब देगी, विधायक को जवाब देगी। किसानों का कितना भला हुआ, थोड़ा डेटा बताइए, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। नहीं मैं ऐसा है संदीप जी, आपसे मैं लास्ट डिबेट में बात कर रहा था जब आप स्पेन की बात कर रहे थे, हम इंडिया की बात कर रहे थे। हम दोनों एक बात में सहमत थे कि जब देश आजाद हुआ उस समय जीडीपी में किसानी का योगदान क्या था और आज वो कहां पहुंच गया है, डिक्लाइन स्टेज में है। आज की तारीख में, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रकाश चंद्र शर्मा, 8,900 रुपए किसान की मासिक आय है। मिनिमम वेजेस जो एक अनस्किल्ड मजदूर को मिलता है वो भी 400 रुपए देना पड़ेगा, 428 रुपए टू बी मोर प्रिसाइज। एक भी आंकड़ा मैंने गलत बताया वो प्रकाश बाबू तो बोलिए। संदीप जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी सोचने की आवश्यकता है कि ये हालत क्यों हुए, क्या ये आज तुरंत हो गया ये मामला। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, न्यूज 18 के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की खास बातचीत। दूसरा, हादसा या हमला, चोट बहाना, वोट पर निशाना। तीसरा, हिंदुत्व की बिसात पर सहमत, शुद्ध सियासी धर्म युद्ध। चौथा, पूर्व सीएम अखिलेश यादव से न्यूज 18 की खास बातचीत। पांचवा, आंदोलन के नाम पर मुहावरों का वार जांच पर, अमीश की डिबेट्स अक्सर विपक्ष पर निशाना साधती हैं। इस बार उन्होंने अपने डिबेट में ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के ऊपर बात की, देखते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। क्या चोट के नाम पर बंगाल में वोट युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को चोट लग गई। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की बड़ी साजिश बता दिया, तो उधर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सहानुभूति के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बंगाल पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें ममता बनर्जी पर किसी तरह के हमले से इंकार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ की वजह से घटना हुई, हालांकि ये पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं है।
लेकिन आज आर पार में हम आपको इस पूरी घटना पर सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाले हैं। यकीन मानिए कि ये जो पूरा चोट कांड है, इससे पर्दा उठेगा आज आर पार के अंदर। इसलिए व्यूअर्स, इसलिए दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके दोस्त आज के इस कार्यक्रम को जरूर 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 देखें। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, लोकतंत्र में तानाशाह ढूंढने का क्या मतलब है? दूसरा, दीदी की चोट पर चुनाव आयोग पर वार क्यों? तीसरा, पहले जय श्री राम पर तकरार, अब हिंदुत्व कार्ड। चौथा, वोट बैंक के लिए बटाला हाउस एनकाउंटर पर राजनीति किसकी? पांचवा, यूरोप के एक और देश में बुर्का बंदी। दीपक चौरसिया की डिबेट ज्यादातर हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर होती है। देखते हैं उन्होंने इस बार हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर क्या डिबेट की। सबसे बड़ी बात आज पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आज शाम होते होते जहां ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूम रही थी, शाम होते होते उनके पैर में चोट लग गई। कैसे लगी उनके पैर में चोट? ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि ये चोट लगाई गई है साजिश के तहत। कुछ लोग उनको घेर के ले गए, उनके पाँव को दबाया और उनके पाँव को गाड़ी के गेट के साथ बंद कर दिया। ममता बनर्जी अब कोलकाता के लिए रवाना हो गई है जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। लेकिन सवाल, ये शरारत है या सहानुभूति बटोरने की कोशिश? हिंदू कार्ड खेलते जावे ना। आखिरकार शिवरात्रि से एक दिन पहले महादेव का नाम लेकर ममता दीदी ने नंदीग्राम के संग्राम में पहले पूजा की और फिर अपना पर्चा भरा। एक दिन आपने इस वीडियो में दोनों तरह के मीडिया को देखा कि कौन किन मुद्दों को जरूरी समझता है। अब आगे ये आपको तय करना है कि आपको कौन से मीडिया को देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।